इस पे आप क्या कहना चाहिए जो मंदिर में पानी पीने के बहाने से आके और मूर्तियों पे थूक देते हैं और मूर्तियों पे पेशाब करके हमारे जिसे हिंदू आराध्य मानते हैं उन पे पेशाब करके उनको गंदा किया जाता है, इस मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात, वो बच्चा यहाँ पे पानी पीने नहीं आया था, अगर वो पानी पीने प्यासा था, पानी पीना चाहता था, तो मंदिर के बिल्कुल 100 मीटर मतलब 50 मीटर की दूरी पे नल है, मंदिर के बिल्कुल बाहर प्याऊ है और अंदर 500 मीटर अंदर आके यहाँ पे पानी पीने के लिए जगह है। वो मतलब बाहर पानी ना पी के अंदर आ रहा है, हमारी मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं ये। सीधी सीधी सी बात, अगर बाहर लगा हुआ है बैनर कि हम यहाँ गैर मुस्लिम जो है गैर हिंदू उनका प्रवेश वर्जित है, तो वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? मानसिकता क्या है उनकी? हमारी मूर्तियों को खंडित तो करना चाहते, अगर मंदिर में आने का इतना ही शौक है तो घर वापसी क्यों नहीं करते? अच्छा, एक और सवाल है कि जब दिल्ली में रिंकू शर्मा मरता है तो बॉलीवुड के जो हमारे सिनेमा के इतने बड़े बड़े सितारे हैं, नेता हैं, अलका लांबा है, कोई नहीं जाती है रिंकू शर्मा से, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ये क्या कहते हैं, सिर्फ उसको 2 थप्पड़ मारा गया उस पर हंगामा मचाए हुए है देश में, रिंकू शर्मा के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ क्यों आ जाते हैं? सब राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, सभी को पता है कि हिंदू जो है हिंदू में एकता नहीं है, वोट बैंक बनाया जा रहा है सारा का सारा और कुछ नहीं है, सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिंकू शर्मा के लिए किसी ने आवाज उठाई? तुम तो यार बॉलीवुड की बात कर लो, किसी एक मीडिया वाले ने नहीं दिखाया रिंकू शर्मा के बारे में, और इस बच्चे को लेकर 50-50 मीडिया रोना चल रहा है सभी का अपना। दो चाटे एक साथ लगी उसमें, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। दो चाटे मारे तो क्या गलत मारे हैं? अगर आप एक बात बताइए, मुस्लिमों की मस्जिद में अगर हमारा एक हिंदू का बच्चा जाके थूक भी देना, भाई साहब काट देंगे वो, हमने अगर उसमें 2 थप्पड़ मार दे क्या गलती कर दी हमने? गलती बताइए, हमारी गलती क्या है? यहाँ पे आके वो थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, हमारे मंदिर में आकर खंडित कर रहे हैं हमारी मूर्तियों को, हमारा राइट नहीं बनता क्या? क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देश में बाबा ने कहा है कि जो हिंदुओं को भी 6 बच्चे पैदा करना चाहिए, नहीं तो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो देश सेकुलर नहीं रह पाएगा? देखिए, महाराज जी ने जो कहा है वो सही कहा है, वो 40 पैदा कर रहे हैं, तुम हम दो हमारे दो पे लगे हुए हो, और इसका सीधा सबसे पहले तो सरकार को ही जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आना चाहिए, जिस कानून को ये इतने सालों से रोक के रखे हुए हैं उस कानून को लेके आना चाहिए। उसके आते हैं स्विमिंग पे बाथरूम करके चले जाते हैं, गलत सही फोटो बनाते हैं, पैर रखते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये वीडियो बनाते हैं ना, अगर वो कोई हिंदू है तो उसी समय उसको मार दो। रिंकू शर्मा मरा तो उसके घर में जाने में हिंदुओं की सर मारी थी, उसको पैसा देने में सर मारा था, लेकिन उस कुत्ते को मारा गया कि मंदिर में बाथरूम कर रहा है इस वजह से, तो उसके लिए डोनेशन पेज पे साला 3 ही दिन में 10 लाख पार हो गए, और हिंदू कितने हराम खोर हैं कि वो पेज पे स्क्रीनशॉट लेके भेजने के हमने भी डोनेट किया है। तो सबसे पहले उन हराम खोरों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम बनो, तुम जैसे कुत्तों का हमारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बताइए, जो हिंदू धर्म जो है इसके जिसको 100 करोड़ लोग जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, उस मूर्ति पे बच्चों को भेजकर क्यों गंदा करवाया जाता है, क्यों थूका जाता है उस मूर्ति के पर? ये इनके जिहाद का हिस्सा है, ये किसी भी तरह से अपना जिहाद करना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। पहले दिन लड़के के खाली चांटे लगे, उसे चांटे लगने से सिर में तो आज तक किसी का सिर फूटता नहीं देखा, कि अगले दिन अलग कलम आती है, उसकी पट्टी बन जाती है, सारे काम हो जाते हैं। जब कहीं पे एक साथ कहीं जो है हिंदू के चोट लगती है तो कोई नहीं बोलता, कोई नेता नहीं बोलता, और किसी मुसलमान के एक थोड़ा सा कांटा भी लग गया ना तो सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, क्यों भाई यही है इस देश में, हम नहीं है ये, हमारी कोई वैल्यू नहीं रही। फिर आखिर में एक बात कहते विपक्ष, एक बात कहता आखिर में कि भाई भाजपा जो है हिंदुत्व कर रही है, हिंदुत्व नहीं कर रहा, हिंदू को जगा रही है, और हिंदू अब जाग चुका है, जाग के भी एक हो लिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इसमें हमारे है ना, सबसे पहले इसमें हमारे हिंदुओं की कहीं ना कहीं कमियां हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, वीर हैं, हिंदूवादी लोग, जितने भी संगठन के लोग, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक नियम, एक संकल्प ऐसा बनाए कि किसी को भी अगर काम दे, सबसे पहले कोई भी कार्य के लिए कर, कोई भी कार्य करे, घर का छोटा बड़ा कोई भी, तो सबसे पहले ये देख ले कि वो हिंदू है या मुसलमान, क्योंकि वो तो एक प्री प्लान है, वो तो अपना प्लान चल रहा है, वो तो ये हम बहुत सहिष्णु का ढिंढोरा जो पीटते हैं ना सब भाई भाई, वो भाई भाई नहीं मानते, हम बेशक मानते होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे वो असलम हो, असलम अली, इसे चौधरी कहना पहले बंद कर दो, असलम चौधरी अगर चौधरी लगाता हो तो पहले है ना टीका लगा के यहाँ पे आए, और ये कहने वाली जो बात है मीडिया में, बरगलानी पानी पीने के लिए गया था, नालंदा में पानी पीने गए थे तुम, सोमनाथ मंदिर में पानी पीने गए थे, बताओ ताज होटल में पानी पीने के लिए गया था कसाब, बताइए ये पानी पीना, ये जो अड़गम गड़गम चलाते हैं ना ये सब हिंदुओं को बरगलाने की,
इनकी और एक योजना इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई जंगल में ना शेरों की तादाद कम होती है लेकिन कुत्ते उन पे हावी नहीं होते, वो 90% हो 95% हो। बोर्ड के ऊपर बात थी, बोर्ड पे लिखा हुआ है आज भी ये हटानी। असलम चौधरी ने कह के वीडियो डाली थी कि 1:30 बजे आऊंगा। भाई तू 1:30 बजे छोड़, किसी दिन भी आ जा 1:30 बजे, 1 घंटे पहले बता दियो।